नमस्कार। जन सरोकार मंच पे काफी लंबे समय के बाद आपका स्वागत है। काफी लंबा समय हो गया था, तो बड़ी खुशी की बात है कि आज हम आपकी कुछ कविताएं सुनेंगे सर। तो पुनः स्वागत आपका जन सरोकार मंच पे सर। धन्यवाद सर। प्रणाम सर। आज सभी दर्शकों का अभिवादन करते हुए मैं एक आत्म निवेदन करना चाहूँगा कि आज आप अपने आलोचक को परे रख करके और सीधे सीधे हम काव्य पाठ से जुड़ेंगे और आप कविता का ही आस्वादन करेंगे। यद्यपि आस्वादन शब्द पर कुछ लोगों को आपत्ति हो सकती है, जैसा कि नामोर जी भी आक्षेप करते हैं कि हमारे रचना समय में इतनी विसंगतियां हैं, इतनी विडंबनाएं हैं कि वहां कविता प्रहार धर्मिता से जुड़ती है, आस्वादन से नहीं। तो मैं वहीं से शुरुआत कर रहा हूं। आज जो हमारा राजनीतिक समय है, किस प्रकार देश में जो अतिवादी तत्व हैं वो सक्रिय हो गए हैं और राजनीति की राजनैतिक में से नैतिक शब्द कैसे माइनस हो गया है। तो एक कविता है राजनीति का रेखा चित्र। राजकन्या के चमकते चेहरे पर डुमसा के खास चिन्ह उभरा है। राजकन्या के चमकते चेहरे पर डुमसा के खास चिन्ह उभर आए हैं, शायद यह उसके यौवनागम की सूचना। अब उसे अवगुंठन जरूरी है ताकि इस वांछित विलास कन्या के मधुपायी प्रार्थी उसके भ्रष्टमुख मंडल को न निहार सके। उनकी दृष्टि तो बाला के नीलांचल में निहित कनक जाल पर टिकी है। आज की राजनीति का यह सत्य है। अभी शाम को जो वातावरण उपस्थित हुआ था, खासकर गाँव में वेणुवन या जिसको हम बसवार कह लेते हैं, बांसवन पर कौओं का जो समूह है किस प्रकार कोलाहल करता है, उसको एक बिंब के माध्यम से, छोटे छोटे बिंबों में कविता चल रही है, मैंने रूपायित करने की चेष्टा की है। नैशावास सुनचरण चाप की मंद मंद झंकार मधुर, ज्योत्सनासी गोरी गात स्निग्ध शशिमुखी शुभ्र वसना के, वायस समूह ने श्रवण खड़े कर लिए चौंक, चंचली भूत उत्तुंग वेणुवन बीच कोलाहल, लगे कोलाहल करने काओ काओ। तो इस प्रकार ये कविता कहीं न कहीं प्रकृति चित्रण को संबोधित थी। और अब हम थोड़े से अगर अपने समय से जुड़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारे रचना समय में उपस्थित हैं और उसमें संगतियां भी हैं, विसंगतियां भी हैं, संगत भी है, विसंगत भी है। एक कविता जो आजकल प्रासंगिक हो सकती है, शिलान्यास। राम मंदिर को लेकर के जिस प्रकार की धारणाएं, दो तरह की धारणाएं पक्ष और विपक्ष में देखने को मिलती हैं, उनके बीचों बीच गुजर जाने का एक सार्थक प्रयास हमने किया है कि कम से कम राम को राजनीति का विषय न बनाए और राजनीतिक प्रदूषण से दूर रखें। यह विश्व तुम्हारा मंदिर है, राम को संबोधित करते हुए मैंने उनसे आत्मनिवेदन किया है
आत्मसंवाद स्थापित किया है। यह विश्व तुम्हारा मंदिर है, यह विश्व निवास करे तुझ में, मेरे मानस के नील कमल नूतन मर्यादा है मुझ में। तूने जग का निर्माण किया या जग तेरा निर्माता है, तूने जग का निर्माण किया या जग तेरा निर्माता है। हर शिल्पी अपने मानस में मनचाही मूर्ति बनाता है, हर शिल्पी अपने मानस में मनचाही मूर्ति बनाता है। है काल कठिन को दंड तुम्हारा, मार काल की झेलो तुम, अब 5 सदी के बाद अवध के स्वर्णांगन में खेलो तुम। हे राम तुम्हारा निर्वासन अपने ही करते आए हैं, तेरे नामों को बेच बेच ही तो सिंहासन पाए हैं। है उपसंहार मांगलिक अब मिट गया दासता चिन्ह एक, पर कारागृह में कृष्ण भी काशी में कोरोना अनेक। कैसे उत्सव में आएंगे, कब होगा शिव का गृह प्रवेश। इस समय ज्ञानवापी भी बहुत चर्चा में है। मिट गया दासता चिन्ह एक, पर कारागृह में कंस कृष्ण भी काशी में कोरोना अनेक। कैसे उत्सव में आएंगे, कब होगा शिव का गृह प्रवेश। सबसे सहिष्णु दुनिया भर में अपना यह मधुमेह अरुण देश। तैमूरी तलवारें तांडव सदियों तक करती रही यहाँ, हम सर्वधर्म संभाव तत्व दर्शन के गाते गीत जहाँ। अब भी अतीत के खंडहर में ही चिर निवास करते हैं हम, है वर्तमान विद्रूप भ्रष्ट रेखाओं में रंग भरते हम। अब राम अंग है माया के, सत्ता के सुखद प्रतीक चिन्ह, अब सूर्य वंश के यश ध्वज में जलती है कोई नहीं वाहनी अग्नि। हे राम नयन की पलकों में, हे राम नयन की पलकों में मेरे मृदु मधुरिम वास करो, दैहिक दैविक भौतिक जितने जग के सारे संताप हरो। कीर्तन टोली के तुमुल कलह कोलाहल में स्तुति स्वर डूबे, कीर्तन टोली के तुमुल कलह कोलाहल में स्तुति स्वर डूबे। रूसी आंखों के प्रगति पुत्र इस मंत्र जाप से है उबे, हे राम रूसी आंखों के प्रगति पुत्र इस मंत्र जाप से है उबे। हे राम नहीं बिकने देंगे तुझको पाखंडी हाथों में, कितने दरिद्र नारायण नित ही सोते हैं फुटपाथों में। उनके चिरकुट परिधानों के छेदों से झांक रहा विकास, हरियंतरधान हुए लख कर कोरोना का जो महात्रास। प्रमुदित हूँ मंदिर बनने से पर विग्रह बेचा जाएगा तो कविता के नाखूनों में कोई नृसिंह उग आएगा, तो कविता के नाखूनों में कोई नृसिंह उग आएगा। इस प्रकार से ये राम को संबोधित एक कविता भारत और चीन के द्वंद्वात्मक संबंधों और संदर्भों को लक्ष्य करके मैंने लिखा था। आ रहा हूं उस मिथक को तोड़ने मैं आ रहा हूं। समर में अदृश्य रहकर युद्ध रत यह चीन है, मत्स्य कुल का रक्त पाई सागरिक यह मीन है। चीन चिंता की लकीरें घाटियों में दिख रही हैं, नियति नक्शे में कहीं विप्लव सरीखा लिख रही है। शब्द भेदी बाण से इस दृश्य का रूप मोड़ने मैं आ रहा हूं उस मिथक को तोड़ने मैं आ रहा हूं। यह नहीं गलवान घाटी कह इसे ढलवान घाटी, जहां फिसले हिंद सैनिक बहुत रपटी ली है माटी। पवन पुत्र छलांग ले लो, असुर से कुछ देर खेलो, घुस अघासुर के उदर में कृष्ण कुछ विस्तार ले लो। अग्निक्षेपी कालिया के साहस फन को
फोड़ने मैं आ रहा हूँ, उस मिथक को तोड़ने मैं आ रहा हूँ। साम्यवादी शिल्प का चेहरा यहाँ चपटा दिखा, साम्यवादी शिल्प का चेहरा यहाँ चपटा दिखा, हिंस पूंजी की कलम से नाम लेनिन का लिखा, यहाँ नित प्रतिरोध की हत्या सड़क पर हो रही है, यहाँ नित प्रतिरोध की हत्या सड़क पर हो रही, बुद्ध बंदी है मनुजता अर्थ अपना खो रही, बुद्ध के टूटे हृदय को जोड़ने मैं आ रहा हूँ, उस मिथक को तोड़ने मैं आ रहा हूँ। कुंभकर्णी नींद में है असुर की परछाइयाँ, कुंभकर्णी नींद में है असुर की परछाइयाँ, नित्य चौड़ी हो रही है मित्रता की खाइयाँ, विश्व को रोना सिखाया, विश्व को रोना सिखाया, विश्व को रोना सिखाया, रावणी खलहास ने कस दिया दशग्रीव, कस दिया दशशीश ग्रीवा, स्वयं निर्मित पाश ने बुरहन, स्वयं निर्मित पाश ने पाप के अंतःकरण में निहित, पाप के अंतःकरण में निहित उस पीयूष घट को हे विभीषण तोड़ने मैं आ रहा हूँ। जीत कर द्युति स्वर्ण लंका छोड़ने मैं आ रहा हूँ, जीत कर द्युति स्वर्ण लंका छोड़ने मैं आ रहा हूँ, उस मिथक को तोड़ने मैं आ रहा हूँ। एक प्रासंगिक कविता आजकल सावन में भगवान शिव की बड़ी धूम है, तो एक त्रिदल बेलपत्र में भी अर्पित कर दूं। एक तद्भव देवता जो भगवान शिव हैं, मन में कोपले फूट आई, दहकने लगे पलाशवन, रसाल मंजरियों के बीच छिपी कोकिल सांगीतिक मुद्रा में प्रणय गीत गा उठी, मधुमास के उल्लास में मैं भी त्रिदल बिल्व पत्र नटराज को अर्पित कर दूं, जो भांग या धतूरे के नशे में नहीं, सारंगाक्षी स्निग्ध वर्णा अपर्णा पार्वती के प्रेम के परिमल या कस्तूरी गंध को तलाशता, अप्रमेय भाव योगी जन्मांतर तक श्मशान की खाक छानता रहा, श्मशान की खाक छानता रहा। शैल सुता के अतीत के चेहरों की माला पहने, शैल सुता के अतीत के चेहरों की माला पहने, वीत रागी आज लास्य नृत्य की छवियों को संकलित करता, वीतरागी आज लास्य नृत्य की छवियों को संकलित करता, डमरू बजा रहा, प्रणय को प्रणव का सनातन आवाहन, शिव और शक्ति के महामिलन की प्रस्तावना रचता है, शक्ति के बिना शिव शव है, संहार का सर्जक अक्षरधाम का शिलान्यास करता है, अयुन रिल्लिक 14 सूत्रों के द्वारा भाषा का नया विन्यास रचता हुआ, कृष्ण और शिव में एक साम्य है, एक नटवर नागर है तो दूसरा नटराज है, एक योगेश्वर है तो दूसरा योगीराज, लगता है मन को नचाने के लिए पहले मन के अनुसार नाचना पड़ता है, प्रेम योग और शिवत्व की साधना को माथे पर तिलक की तरह, माथे पर त्रिपुंड की तरह धारण करना होगा। धरे शरीर शांतरस जैसे भगवान शिव, चंद्रचूड दिगंबर या बाघंबर, व्योमशाही विराट घोरी जिसके लिए घोर कुछ भी नहीं, उन अर्थों में वामपंथी नहीं, कश्मीरी शैवागम की उपत्यका में लेटी हैं शताब्दियां, जिसके गले में झूलता काल व्याल, जिसके गले में झूलता काल व्याल, मृत्यु का नियामक मृत्युंजय उस दीर्घायु दूल्हे को कहां देख पाई, पार्वती के विवाह से इनकार करने वाली मैना कहां देख पाई कि जो सांप बिच्छुओं से इतना प्रेम करता है वह मेरी तनया से कितना प्रेम करेगा, जो समस्त भूतों से प्रेम करता है, इस सर्पदंश से शैलजा ने ही मुक्त किया था उन्हें, मधुक माल से नहीं शैवाल से घिरे शद्दल की रम्यता कोई कालिदास ही देख सकता है, जटाओं से अलंकृत तपोनिरता भगवती पार्वती के अक्षर सौंदर्य को महादेव ही देख सकते हैं, देख सकते हैं पारदर्शी रूप के पीछे छिपे अरूप को, रूप के पीछे छिपे अरूप को,
गोद में गिरिजा और सिर पर गंगा को चढ़ाए हुए देह बोध से अस्पर्शित सहस्र सतासी संवत्सर तक निर्बाध निर्विकल्प समाधि में आत्मलीन, जिसके सर्प की एक हुंकार से कांप उठती हैं सदियां, जो अंतरिक्ष की खिड़की से आज भी देख रहा है हमारी पृथ्वी को कैलाश को रावण के 1 लाख को और 1.25 लाख नातियों को। आजकल मणिपुर जल रहा है और उससे देश का तापमान भी, राजनीतिक तापमान भी बढ़ गया है। निश्चित रूप से यह संदर्भ आज के भारतवर्ष में स्त्री के स्थानीय मान को रेखांकित करता है। इसी प्रकार निर्भया कांड हुआ था तो उस संदर्भ में कविता लिखी थी अभियोग, जो आज शायद प्रासंगिक हो रही है, मैं उसे प्रस्तुत कर रहा हूं। भीड़ का निर्वाण फिर उड़ गई जल विहक सीवा, देश का ज्यों भाल छूकर देखते हम रह गए वातायनों से मूक होकर, व्योम गंगा की अलक्षित वीचियों में त्राण फिर भीड़ का निर्वाण फिर ढेरी अब घूमते हैं कुहासे के इस शहर में, मत कुलाचे भर मृगी इस रात के पिछले प्रहर में, बाघ संरक्षण दिवस का आखिरी अभियान फिर भीड़ का निर्वाण फिर वज्र बांधे मुट्ठियों में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लौह प्राचीरें पिघली लाख हम धधका रहे हैं, सो रहे ज्वालामुखी को धूम्र पाई घ्राण फिर भीड़ का निर्वाण फिर नहीं आदिम रेशमी अवगुंठनों में लौट जाएं, निर्वसन पछुआ हवा को नहीं सीने से लगाएं, एक नए पर्यावरण को तरसते हैं प्राण फिर नारियों ने नहीं लक्ष्मण रेख हम 100 बार लांगे, अग्नि चरणों से सुमन की वाटिकाएं खूब धांगे, व्याध के ही हाथ में है विष बुझा वह बाण फिर मीडिया की आंख माया लोक में ही घूमती है, सीबीआई संत के पग धूल को कब चूमती है, आज तक अभिशाप दे तो बन गया वरदान फिर भीड़ का निर्वाण फिर क्रांतिकारी भ्रष्ट हम सब क्षितिज पर हो, क्रांति कैसे मोमबत्ती बन गई है रोशनी की भ्रांति जैसे, हो गया जैसे जटायु का नया निर्वाण फिर 5 जोड़ी सांड सिंहों पर टंगी उस बालिका को, बहुवचन में बदलती उस श्रृंगपुर की तालिका को, मानचित्रों में परखता नपुंसक आह्वान फिर नागरिक हम हिंस बनकर निरामिष न दे सकेंगे, पीड़िता खुद दंड भोगे नई संस्कृति दे सकेंगे, है अशोक की वाटिकाएं अर्थ पर हैरान फिर भीड़ का निर्वाण फिर नई पीढ़ी का सृजन क्या भीड़ तांत्रिक बोध से हो, शोध विस्थापित जहां शीर्षासनी प्रतिशोध से हो, जहां संजय कर रहे हो युद्ध का आख्यान फिर भीड़ का निर्वाण फिर भीड़ का निर्वाण फिर। धन्यवाद, नमस्कार।